ये कहानी मोहनपुर गांव की है। इस गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपने घर पर अपनी पत्नी मीनल के साथ बातें कर रहा था। क्या रोज़ रोज़ शराब पीकर आते हो? चलो, रात काफ़ी गहरी हो गई है, अब तुरंत सो जाओ। मुझे सोना नहीं है, अभी मुझे प्रिंसिपल साहब का कॉल आया था। उन्होंने आज रात स्कूल की सफाई करने के लिए कहा है। लॉकडाउन के बाद कल से स्कूल शुरू होने जा रहा है। हमेशा की तरह मुझे स्कूल के चपरासी की नौकरी करनी पड़ेगी। चलो, मैं अब जा रहा हूँ। स्कूल में क्यों जा रहे हो आप? कल सुबह जाकर स्कूल में सफाई कर लेना। मैं चलता हूँ, ये कहकर रमेश रात के समय स्कूल में चला जाता है और एक हाथ में शराब की बोतल लेता है और स्कूल के गेट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ स्कूल की चपरासी की नौकरी लगी है, तब से ना चैन है ना सुकून है। अच्छा, लॉकडाउन में घर पर ही बैठने को मिल रहा था, मस्ती करने को मिल रही थी, और अब कल से फिर वही घिसी पिटी जिंदगी, यही अपना भाग्य है। तभी अचानक स्कूल का गेट अपने आप खुलने लगता है। रमेश शराब के नशे में था। ये गेट अपने आप कैसे खुल गया? ना हवा है ना तूफान है, फिर भी गेट अपने आप खुल गया। अंदर चलकर देखते हैं, 2 साल में क्या कुछ बदला है इस स्कूल में। रमेश धीरे धीरे स्कूल में जाता है। रमेश अपने रूम पे आ गया, इसे खोलकर इसमें से झाड़ू ले लेता हूँ। तभी स्टोर रूम का दरवाज़ा भी अपने आप ही खुल जाता है। लॉकडाउन में यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है लगता है। रमेश टार्च लेकर सफाई करने लगता है, तभी टार्च बंद हो जाती है। अबे क्या हुआ, अपने आप कैसे बंद हो गई? अब तक तो ठीक चल रहा था। अंधेरे में आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया इसने। रमेश कहता है, रूम की लाइट शुरू कर देता हूँ। रूम भी उसकी नज़र झाड़ू पर पड़ती है, जो उड़ते हुए अपने आप ही रमेश के हाथ में आ जाती है। ये सब देखकर होश उड़ जाते हैं और कुछ समय के लिए एकदम खामोश हो जाता है। ये सब कैसे, अब ये कैसे हुआ? ये झाड़ू अपने आप मेरे हाथ में कैसे आ गई? क्या हो रहा है यहाँ? रमेश दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। रमेश दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल पाता। अरे, ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया और ये खुल क्यों नहीं रहा है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? लाइट क्यों अपने आप चालू बंद हो रही है रूम की? तभी कुछ भूतों के हंसने की आवाज़ आती है। कल से इस स्कूल का पहला दिन है, लेकिन आज तेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अभी रूम की लाइट बंद हो जाती है। रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। रमेश को खुद की सांस की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अरे, ये दरवाज़ा कहाँ चला गया? कितना अंधेरा है यहाँ। मिल गया दरवाज़ा। रमेश जैसे ही दरवाजे को खोलता है, तभी लाइट शुरू हो जाती है। उसके सामने एक भयानक भूत खड़ा हो जाता है। इसको देखकर रमेश की आँख फटी की फटी रह जाती है और रमेश वहीं बेहोश हो जाता है कि पत्नी मीन, अरे पूरी रात बीत गई, लेकिन ये अभी तक घर नहीं लौटे। लगता है कल रात वहीं सो गए होंगे। भी रमेश हड़बड़ाता हुआ दौड़ा दौड़ा आता है। भूत भूत भूत! सभी गांव वाले रमेश को देखकर वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ रमेश भाई, इतने डरे हुए क्यों हैं? कोई भूत देख लिया क्या? कहकर सभी जोर से हंसने लगते हैं। हाँ हाँ भाई, मैंने भूत ही देखा है। कल रात मैं स्कूल में, तभी मैंने भूत देखा। पड़ोसी कहता है, अच्छा तो तुम चपरासी की नौकरी रात में ही करते हो? ये कोई हंसी मजाक का समय नहीं है, सच में मैंने कल रात में स्कूल में भूत देखा। मीनल, ये सब क्या बोल रहे हो आप? भूत प्रेत कुछ नहीं होता। आप सब मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप भी किसी बच्चे को उसे भूतिया स्कूल में मत जाने देना।
वो बहुत ही खतरनाक भूत है। बस भी करो यार रमेश, क्यों हमारे बच्चों को डरा रहे हो? लॉकडाउन के बाद आज स्कूल खुला है, कम से कम अब तो इन्हें पढ़ाई करने दो। अरे ये रमेश तो रात दिन शराब के नशे में डूबा रहता है, इसे कहाँ कोई भूत दिखेगा, भूत तो खुद इसको देखकर भाग जाएगा। हाँ हाँ, सभी गांव वाले मिलकर रमेश की बात का मजाक बनाने लगे और उस पर हंसने लगे। किसी ने भी रमेश की बात का विश्वास नहीं किया। गांव के सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल गए। उसी स्कूल में रमेश का पड़ोसी कैलाश का बेटा अजय और उसके कुछ दोस्त स्कूल जाते हैं। अरे यार यश, ये क्या फिर हमें स्कूल जाना पड़ रहा है? कितना अच्छा लग रहा था ना छुट्टियों में। हाँ यार, मैं तो रोज़ सुबह देर तक सोता रहता था, लेकिन आज से सुबह जल्दी उठना होगा। रमेश अंकल को सच में तो भूत नहीं दिखा था स्कूल में? उन्होंने तो चपरासी की नौकरी भी छोड़ दी और सबके सामने उन्होंने कहा था कि वो चपरासी की नौकरी छोड़ रहे हैं। अरे कुछ नहीं भाई, अजय अंकल शराब के नशे में रहते हैं, शायद उन्होंने कुछ और ही देख लिया होगा और उसे भूत समझ बैठे। हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सभी बच्चे स्कूल में चले जाते हैं। अजय अपने दोस्तों के साथ क्लास में जाकर बैठ जाता है। तभी महेश टीचर क्लास में आते हैं। सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहते हैं। महेश टीचर, गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठिए। सारे बच्चे बैठ जाते हैं। तभी अजय की नज़र रमेश टीचर की पैंट की जिप पर पड़ती है, जो खुली हुई थी। संजय, हंस क्यों रहे हो? हाँ 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 सर जी, आप नीचे तो देखो, आपकी किराना दुकान खुली पड़ी है, उसे बंद तो कीजिए। हाँ हाँ हाँ, क्लास में बैठे सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। चुप हो जाओ सब। अजय, तुझे शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? अरे सर, सामने से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने कह दिया आपको। हाँ हाँ, अपनी पैंट की जिप लगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऊपर ही नहीं होती। रमेश बड़बड़ाते हुए, इस जिप को क्या हो गया? अब सारे बच्चों के सामने ऊपर क्यों नहीं हो रही है? सारे बच्चों के सामने मजाक बनाकर रख दिया। अरे रहने दीजिए सर, कहीं टूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खामोश हो जाओ बच्चों। महेश तुरंत बाथरूम की ओर भागता है। अरे इसको क्या हुआ, ये ऊपर क्यों नहीं हो रही? तभी रमेश के पीछे एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो एकदम दो दो दूनी चार मास्टर, तेरी पैंट की जिप अब ऊपर नहीं होगी यार। अरे बाप रे बाप, एक और एक ग्यारह, तेरे टुकड़े होंगे बारह। हाँ हाँ हाँ, रमेश बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ इस भूत से, कोई मुझे बचाओ। आठ में पाँच मिलाओ तो होते हैं तेरह, तू क्या बिगाड़ लेगा मास्टर अब मेरा। हाँ हाँ हाँ, तभी वो भूत महेश टीचर का सर धड़ से अलग कर देता है और महेश टीचर का सर लेकर क्लास में बच्चों के सामने फेंक देता है। अरे ये क्या, महेश सर का धड़ कहाँ गया? सारे बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। भूत क्लास में सारे बच्चों के सामने आ जाता है। दूसरे सारे टीचर और दूसरे क्लास के सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। बस अजय और उसकी क्लास के बच्चे ही उन भूतों के सामने फंस जाते हैं। अरे अजय, ये तो कई सारे भूत हैं और इन्होंने तो सर को भी मार दिया, अब ये हमें भी मार देंगे, हमें किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। अचानक क्लास में भगदड़ मच जाती है। तभी अजय और वीरू और यश तीनों मिलकर स्कूल के गार्डन में भाग जाते हैं और वीरू जोर जोर से रोने लगता है। अरे चुप करो, वरना भूतिया लोग यहाँ भी आ जाएंगे। अजय भाई, यहाँ से भागे कैसे? स्कूल का गेट तो इन भूत लोगों ने बंद कर दिया है, अब हम कैसे घर जाएंगे? चलो हम अब दीवार से बाहर की ओर कूदने की कोशिश करते हैं। अरे ये दीवार कितनी ऊंची है, यहाँ से कैसे जाएंगे हम? कोशिश तो करना होगा ना, रात होने को आई है, रात होने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा, वरना हम भी यहाँ मारे जाएंगे। यशवीर, अजय, तीनों दीवार के
पास आ जाते हैं और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दीवार पर चढ़ नहीं पाते। बहुत कोशिश करने के बाद भी वे दीवार पर चढ़ने में नाकाम रहते हैं। हाय, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सब उन भूतों की शक्तियों से हो रहा है। उन्होंने इस स्कूल के चारों ओर से बंद कर दिया है, हम बाहर कैसे निकलेंगे? तभी स्कूल के अंदर वो भूत बच्चों को मार देते हैं। बच्चों की चीखें सुनकर अजय, वीरू और यश बहुत डर जाते हैं और आखिरकार तीनों थक हार कर गार्डन में बनी बेंच पर बैठ जाते हैं। अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब लगता है हम भी उन भूतों के हाथे मारे जाएंगे। हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। अंधेरा होने से पहले हमें इस भूतिया स्कूल से भागना होगा। अरे, चारों ओर के रास्ते बंद हैं, अब हम यहाँ से कैसे भागेंगे? तीनों बातें कर रहे थे तभी अजय के पीछे एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। यस, जैसे ही भूत को देखता उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन तीनों बच्चों को मार डालता है।